एक सूरत तेरी देखन लई, एक सूरत तेरी देखन लई, कई सूरत हो रब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, अज असी एक नई तरस का जड़ा कि प्रोग्राम तुहाडी खिदमत च पेश कर रहे हैं। बार गली च अज मैनू एक बड़ी सुरीली जी आवाज़ सुनाई दिती, तो मेरा दिल किया कि मैं ये आवाज़ नाज़रीन तक पहुँचावा, क्योंकि उस आवाज़ दे विच सुरूर सी और असल गल ये सी कि उहदे विच पैगाम सी जड़ा कि आप लैसला तो सलाम दा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा सी। मैं उन्होंने गुजारिश की और वो मेरे कुल तशरीफ लियाए स्टूडियो दे विच, ते आज असी इन्हां नाल गुफ्तगू करने आ जिहड़ी तुहाडे तक पहुँचाने सी और यकीनन तुहानू मज़ा आएगा। देखो जिक्र और फिक्र जिहड़ा ये बहुत जरूरी है, जिक्र जिहड़ा ये बहुत जरूरी है। रब कहिंदा कुरान च कि और जदों तुसी भुल जाओ ते जदों मैनू जदों भी तुहानू याद आवे ते मैनू तुसी याद करो, अगर तुसी भुल भी जांदे हो मेरा जिक्र ते जदों मेरी याद आवे दोबारा ते तुसी फिर जिक्र फिक्र शुरू कर दिओ। ये कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिहड़े तुहानू याद कराउंदे ने, बस साडे ते मुनस्सर हुंदा कि असी उहनू असी उहदी गल नूं पॉजिटिव लैंदे आ नैगेटिव लैंदे आ। हदीस मुबारक कि जो साफ है वो उठा लो, जो मैला है उसे छोड़ दो, यानी कि जिहड़ी गल तुहाडी है उहनू चुक लो, जिहड़ी नहीं है उहनू छड्ड दिओ। ते जिहड़ी साडी गल हुंदी है सानूं चाहीदा कि असी उहदे वल ध्यान करिए बजाए इस दे कि असी किसी ते एतराज़ करिए, क्योंकि एतराज़ करन वाले चोखे ने बहुते ने ते गल चुकन वाले थोड़े ने। तो मेरी गुजारिश यही है कि जिहड़ी अच्छी गल हुंदी है उहनू चुक लेना चाहीदा। एक बंदे का एक सफ़र जिहड़ा वे वह किवें गुजर रहा है, मुख्तलिफ लोग ने उन्होंने मुख्तलिफ तरीके नाल गुजारिया जाता है, मुख्तलिफ तरीके नाल गुजरते हैं और उन्होंने ईमान यही होंगे कि असी जिवें रब चाह रहा असी उवें गुजर रहे हैं। तो बिस्मिल्ला करने अज इन असी गुफ्तगू का आगाज करने जी। जदों तुसीं इस राह वल चले हो तो उस टाइम तुहाडी कितनी उम्र सी और की सोच के तुसीं टुरे हो, की तुहाडे अंदर ये चीज़ां चलदियां सन के असी मतलब कि दरवेश फकीर नूं मिलांगे तो की लभेगा की होएगा, ये की किवें तुसीं इस पासे आए? बहुत अच्छे क्या बात है। हाँ सानूं अपना सफ़र तो दसो ना जरा के। मैं छोटा जिहा हुंदा सां इस बच्चे जिहड़ा। अच्छा। तो मेरा अबू जिहड़ा सी जाफर शाह दा मरीद सी, ते पीर बूटे शाह बादशाह सजल बादशाह सन के लकड़े शरीफ वाले सियालकोट वाले बली अल्लाह दे मस्त बार सन के कुख दे बली, वो आ गए उन्हें आके ते कहा भी तू मेरा मरीद हो जा। अबू मेरा पांच वक्त दा नमाजी सी, अकीदे दा पक्का सी, उन्हें आख्या कि मैं मरीद जिहड़ा ना तुहाडा सरकार मैं तुहानू मानना, बल्कि मैं जाफर शाह का मरीद हाँ, तो मैं जो तुम आखो तो मैं पूछ के ना तो फिर मैं तुम अर्ज करा। ये आन के सरकार ने गल की, तो सरकार मेरे अबू जी कह लगे चलो फिर तुम इन कम करो ए लर खा ले लग खा लिया। मैं छोटा जहा सर कह लगा ठोर यो ही देो ही दे सरकार ने उत्थे खंड वरता खंड इन्नी रज दे आ गए अपनी मौज वाले जो मर्जी कर दें उन्होंने रोक नहीं चुको सकता, तो पता नहीं लगता की कर देता है। दरवेश फकीर मर्जी वाले ही होंगे हाँ किसी नहीं होंगे बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जी तो मैं उन्होंने हो गया तो फिर मैं उन्होंने नाल ही रहना, मैं उन्होंने कोल ही सौना, जे मैं इधर हो गया ना रात नहीं ना सुता तो अबू को आ गया तो वो रुस के इन्हें चले गए। अबू ने उठना तो लोटा वो कोल होंगे तो उन्हें जाना वेखना बूटे चाहे तो मंजे तो थले पलंग कहना सरकार की गल है रखा कितने सैयद बादशाह सन सैयद सन बादशाह सुल्तान हज़रत सुल्तान बहुत सरकार फरमाते हैं कि तुसी
अगर कुछ हासिल करना वे तो तुहानू सैयद की खिदमत करनी पैनी है, वो दी खिदमत च रहना पैना, तुहानू सदात का अदब उन्हां दी खिदमत बहुत जरूरी है। वाह, वो फिर मैं छोटा जिहा सा मेरा दिल झुर पैना व्यवहार से भी जल सरकार ने जोश के उधर जाना तो अबे ने कहना की गल है सरकार तुसी इधर क्यों आके लंबे पै गए मस्त सुते मैंने अबे ने चांडा मारनी कहनी उठ उन्होंने आखे कोई ना उन्होंने मैं सरकार ने कहना सरकार वो सरकार जी ना फिर जो पर्दा पोशी हो मैं अजे भी उन्होंने बली उतो उठ रहे हैं पर्दा पोशी हो तो फिर थोड़े अगर राज खोलन लगे हैं फिर मिले ने मेरी नहीं पछाण हूँ मैंने पछाण हूँ तो मेरा पता भी ना मेरा अब तो मैंने अंबर लाना तो मैं मन जावा ना मैं अंबर नहीं मानता जावगा वो जी गल करते पैसो बड़ा अंबर है अदब तो उत्ते अमर वड्डा अंबर है जद मनदा ही नहीं तू मेरी किन्नी खिदमत करना मेरे लिए देगा पकाना मेरे लिए चावल पकाना मेरे लिए बकरे देना मैंने बड़ा कुछ करना मेरी गल क्यों नहीं मानता वो मना लेंदा मना लेंदा ना मना लेंदा वो फिर कार जड़े सन ना फिर मेरे सब मैं देखना हूं जी जरूर मैं कहना भी है तो उ लगते ने ये कम की पाया गया इन्होंने इतने आन के मेरा भुलेखा लगे एक दिन मैं उन्होंने कह दिता मैं कहा सरकार जो मर्जी मैं कह लो मैं बूटे शाला मैं मार दिया भावें कि जो कुट लो जिते मर्जी लै चलो मैं है बूटे शाला जिन मन लिया बस उन्होंने मन लिया हाँ बस ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਦੇਖਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਸਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਤ ਹੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਏ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਬਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਹੜਾ ਏ ਥਾਮ ਥਾਮ ਕੇ ਟਰੋ ਹਨੇਰਾ ਏ ਅਤੇ ਵੜ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਏ ਹਲਕਤ ਬਾਹਰ ਡੁੰਡੇਂਦੀ ਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਦੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ 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 ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਇਹ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਮੰਗ ਲਿਆ
कि करम चाहिए जी। तो बाद कात करम बंद ढूंढ रहा होंगे तो बंदा अगर लग के दौड़ पैंता दौड़ इंज भी होंगे इंज भी होंगे। मैं अजे भी ये सोचना कि पता नहीं मेरे मालक इन्ना कि गुस्से यकीन करे जी मैं डर दी बिल्कुल। हदीस मुबारक भी मैं वो कि डर और खौफ के बेच जरा मंजर होंगी डर और खौफ यह होंगे ये बहुत ही डर है कि मेरे मालिक ने पता नहीं मेरे से कि गुस्सा चढ़िया है भी तू एक की किया क्यों नहीं मनो उस वे मन तो बाद क्यों पेंडा पाया तुम इस राह च गुजरे हो तुम इस राह के बेचो तुम हजे तक थोड़ा सफ़र चलता पै कितों टुटते हो कितने चले जाते हो पता ही कोई नहीं होंगे। जिधर की दलील आई कि इधरों सानू इधर जाने का हुक्म है इधर जाने का हुक्म है चल पेंदे हो टुर पेंदे हो कोई परवाह नहीं बीवी बच्चों की अगे पिछे सारा सिस्टम तो ये किवें तुम्हें लैके चलते हो जी। चलण का मैं ना मकसद मेरा इन्ना क्या कि जिस तरीके ना मैं चल रहा ना पहले तो तुम्हें दस रही मैं मालिक आपके तो बड़ा डरना पता नहीं मैं की कह देना की करना। दूसरे नंबर पर यह है गया कि कोई भी शायद किसी ने कोई भी जो कहता इंज करता मैं कहना आपे कर रहा मैं दरवेशी की नहीं गल करता मैं अपनी आजदी की गल कर फकीर तो फकीर है बादशाह शाह इंशाला जबाल है टफैल खा रहे भी अरसे अजीम तो आया तो भी अरसे अजीम तो कम होया गा उम तो मुक गया उ जो नज़र पै गई तो क्या ठीक है फिर तो फिर शौक ही ना इस दुनिया का रहा शौक तो सारे मुक गए ना मुक गए तो फना है ना फना कर दिता सारा कुछ तो सब कुछ फना है जो फना हो गया तो हूँ आसे पासे भी वेखी है कि एंज जमें कोई कफरून बैठी होती है जगह नहीं रहन दिती पैसा नहीं छड़िया कुछ भी नहीं मैं पूछते रहे लोग भी कहो इन्हों कुछ मैं कहता रहा मैं नहीं कह मैं नहीं पता मैं कख नहीं कर सकता मालिक नू पता है मैं इन्ना पता सी भी यार मैं होर तो कहने वाला ही कोई नहीं जो कहना मेरे मालिक ने ही कहने तो खबरे कि रस्ते मैं लई आ मैं तो हाज मुश्किन है मैं मैं होर दिसे तो मैं उसने गल करा भी तू मैं क्यों कहना है तो जो मैं दिसदे कोई नहीं होर ये तो बगैर मैं किनू कह जा जो करता पै यही रजाज मैं मनी जाना मेरे मैं तो ऐ चल रहा पाया हाँ वो सुल्तान साहब फरमाते हैं कि जे जीद ही मर रहना हो वेस फकीर बहिए हो जे को सुटे गुदड़ कूड़ा तो वाग रूड़िया सहीए हो जे को कडे गाली मेहने तो जी जी उसनु करिए गिला उलामा पंडी खवारी यार दे पारू सहीए हो तो कादर दे हथ डोर है बाहू ज्यू रखे तू रही फिर वह जिम्मे रखे उ फिर रहना पैदा रजा च राजी रवे तो बचा ठीक है क्योंकि जो कुछ होना होंदा है वो हो के रहिंदा दुनिया दी कोई ताकत उन्हें बदल नहीं बस ऐ ठिकाना भी जो मारक ने कहना उंजी होना बस ओदे फिर एक मननी पैना ते तुसी सानू कोई कलाम सुनाओगे कोई भी जिहड़ा तुहानू आंदा है सरकार दा कोई भी कलाम मैं ते ढोलक नाल सुनाओगे या जिवें तुसी कहोगे मैनू उस तरह मैं जो मैनू आउंदा है मैं मैनू आउंदा जांदा कख भी नहीं सिर्फ एवें मेरा दिल करन लग पेगा मैं इंज ना कर लिया इंज ना गल करा मैं इंज ना अर्ज करा आउंदा जांदा मैनू कख नहीं। ये तुहाडा अपना एक रंग है कि तुसी अपने रंग च तुसी ओहदे नाल गल्लां करदे रहिंदे हो इंशाअल्लाह ताला जी ए जरा कि तुसी ए पढ़ाओ एक सूरत तेरी इस मल्ला पढ़दिया रहना ते सबनू एदा सहारा एक अल्फ तो बने हजारा अल्फ दा ए होई पसारा लखां वली पैगंबर हो गए अल्फ दा ए होई इशारा वाह वाह एक सूरत तेरी
ਜਿਹੜਾ